हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10 का एक्सरसाइज 3.4 पढ़ेंगे, क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन जो 3.3 का था वो सॉल्व कर लिया था। यहाँ पर हमें इन दिए गए लीनियर इक्वेशंस को हमें या तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है या सब्स्टिट्यूशन, यानी दोनों मेथड से सॉल्व करने को कह रहा है इस एक्सरसाइज में, यानी एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व करना है और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करना है। तो बच्चों, हम लोग इस एक्सरसाइज को केवल एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि पिछले वीडियोस में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.3 के सारे क्वेश्चंस सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किए थे। तो मुझे उम्मीद है कि जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है वह आप लोग यूज़ करोगे तो ये क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाएंगे आप लोगों से। एलिमिनेशन मेथड को मैं बता रहा हूँ कि कैसे हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले दिए गए इन इक्वेशंस को देखें हम लोग। ये हमारा इक्वेशन है दोनों, तो मैं इसको पहले इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ले लिया हूँ। अब हमें क्या करना है कि एक्स का कोफिशियंट या तो सेम कर देना है या वाई का कोफिशियंट सेम कर देना है, यानी एक्स टर्म्स को और वाई टर्म्स के कोफिशियंट को सेम करना है। तो मैं एक्स को कर रहा हूँ, आप देखो यहाँ पर एक्स का कोफिशियंट 2 है और यहाँ पर एक्स का कोफिशियंट कुछ नहीं है तो 1 है। तो हम 2 से 1 में अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया इक्वेशन 1 को, तो ये आ गया हमारा 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, यानी आपको इस 2 से दोनों साइड में मल्टीप्लाई करना है। अब मैं इसको इक्वेशन 3 मान लिया हूँ और यहाँ पर हमें क्या करना है उसी को लैंग्वेज में लिख देना है, मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन 1 एंड सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3, यानी 3 में से जो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा इक्वेशन आया है उसमें से हम इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 3 का जो मल्टीप्लाई आया है मैंने यहाँ पर लिख लिया है और जो हमारा 2 इक्वेशन है उसको मैंने इसके नीचे सजा करके लिख लिया है। अब इसका साइन प्लस था तो मैंने माइनस कर दिया, ये माइनस था तो मैंने इसको प्लस कर दिया, और ये प्लस था तो इसको क्या किया मैंने माइनस कर दिया, चूँकि हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट हो तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली इसको काट देंगे। जब 0 आएगा तो क्या करेंगे, इसको काट देंगे। तो दोनों का साइन, ये वाई का साइन क्या हो गया, प्लस हो गया। तो 2 और 3 ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5y इक्वल टू 10 माइनस 4 इक्वल टू 6। सो द वैल्यू ऑफ वाई विल कम 6/5, यानी वाई का जो वैल्यू होगा क्या होगा, 6/5 होगा। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन हमारा क्या है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5, तो एक्स प्लस वाई का वैल्यू है 6/5 इक्वल टू 5। अब हम क्या करेंगे, एक्स का वैल्यू निकालने के लिए इसको राइट साइड लाएंगे, 5 - 6/5 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 1 और 5 का एलसीएम निकालेंगे तो 5 आएगा, और 1 से 5 में डिवाइड करेंगे तो 5 ही आएगा, और 5 में 5 को मल्टीप्लाई करें तो 25 आएगा, और इधर क्या आ जाएगा, 5 / 5 1, 1 मल्टीप्लाई बाई 6, सो 6 आएगा। तो ये जो सब्ट्रैक्ट होगा ये क्या होगा, 25 - 6/5 यानी 19/5। एक्स का वैल्यू हो गया 19/5, वाई का वैल्यू हो गया 6/5। मुझे उम्मीद है कि ये भी मेथड आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बच्चों, अगले क्वेश्चन में हम इसको समझते हैं, सेकेंड क्वेश्चन में। सेकेंड क्वेश्चन में हमें यही एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करना है। तो एलिमिनेशन मेथड हम कैसे यूज़ करेंगे, सबसे पहले कोई एक टर्म्स का कोफिशियंट इक्वल करेंगे। तो हम एक्स को इक्वल कर रहे हैं, तो देखो पहले में क्या है, 3 है, और दूसरे में क्या है, 2 है। तो दोनों के कोफिशियंट को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दे रहा है। ये 2 है इक्वेशन 2 में, तो मैंने 1 में मल्टीप्लाई किया है, और 3 जो है इक्वेशन 1 का है इसको मैंने इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई किया है। अब इसी को लैंग्वेज में लिखना है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2 एंड 3/2, देन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, यानी इन दोनों में एक दूसरे से मल्टीप्लाई करके 1 जो इक्वेशन आ रहा है हमारा, इसमें से हम 2 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो देखो 2 से 3 से मल्टीप्लाई किया 6x, 2 से मल्टीप्लाई किया 8y, और 10 × 20, फिर 3 से 3 × 6, और 3 × यहाँ पर भी 6y आएगा इक्वल टू 6। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये तो कट ही जाएगा, और 8 और 6 ऐड होगा तो 14y इक्वल टू 14, 20 - 6 = 14 हो जाएगा। y का वैल्यू क्या आएगा, 14/14 1। अब इस y के वैल्यू को हमने इक्वेशन 1 में पुट किया है, तो 3x हमारा था ही पहले से, 3 × x मैंने लिख लिया है, यहाँ पर प्लस 4 × 1 इक्वल टू 10।
अब देखो 3x इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस 4, ये उधर जाकर के साइन चेंज हो जाएगा, 3x इक्वल टू 6। इस तरह से x का जो वैल्यू आएगा वह क्या आएगा, 2 आएगा। x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 1। क्वेश्चन ये भी समझ लेना आप लोग। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा दिया है 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0। मैंने क्या किया है, जो कांस्टेंट वैल्यू है इसको मैंने राइट साइड में ला दिया है, तो इक्वेशन बनता है 3x माइनस 5 इक्वल टू 4, और इसको मैंने इक्वेशन 1 मान लिया है। यहाँ दिया हुआ है 9x इक्वल टू 2y प्लस 7। अब मैंने क्या किया, 2y को इस साइड में लाया है तो इसका साइन चेंज करके माइनस 2y कर दिया है, तो ये 9x माइनस 2y इक्वल टू 7, और इसको मैंने इक्वेशन 2 मान लिया है। अब बच्चों यहाँ पर देखो, ये इक्वेशन 2 में हमारा क्या है, 9 है, और यहाँ क्या है, 3। अगर इस इक्वेशन में हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एक्स कोफिशियंट क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा है 3 से इसमें मल्टीप्लाई किया है, और इसको लिखा है मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 3 एंड सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, तो आप देखो 3 से कितना हो गया, 9x, 3 5 से कितना हो गया, 15y, और 3 4 से 12। और इस इक्वेशन को नीचे सजा करके मैंने साइन चेंज कर दिया है, 9x कट गया। अब 15 में से जब 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या आएगा हमारा, माइनस 13, और 12 माइनस 7 कितना हो गया, 5। y का वैल्यू हो गया माइनस 5/13। अब बच्चों y के इस वैल्यू को मैंने क्या किया है, यहाँ पर इक्वेशन 1 में रखा है, तो यहाँ पर देखो 3x माइनस यहाँ पर वैल्यू जब रखा है तो ये 25/13 हो गया है। अगर आप लोगों को स्पष्ट दिख रहा हो यार, तो मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ। तो अब देखो यहाँ पर ये जो हमारा हो गया 3x प्लस 25/13 इक्वल टू 4, 3x इक्वल टू 4 माइनस 25/13। अब इस तरह से 3x इक्वल टू जो सॉल्व करेंगे बच्चों, तो ये 13 4 या 52 हो जाएगा, और ये 25 आ जाएगा यहाँ पर 27/13। एक्स का वैल्यू जो मैं निकालूँगा यहाँ पर, तो ये 3 जो है आकर के डिवाइड हो जाएगा। इस तरह से जो हमारा एक्स का वैल्यू आएगा, ये 3 9 से कटेगा तो 9/13। बच्चों जितना भी ये मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप लोग इसको इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को रिवीजन ज़रूर करना। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1। तो ये फ्रैक्शन में है, तो सबसे पहले हम फ्रैक्शन को हटाएंगे, तो क्या करेंगे, 2 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो 6 आएगा, और 6 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, और x को मल्टीप्लाई किया है तो 3x। इसी तरह 3 से किया हूँ 6 में डिवाइड तो 2, और 2 से मल्टीप्लाई किया हूँ तो 4y। इस तरह जो हमारा इक्वेशन बनता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद, 3x प्लस 4y इक्वल टू -6। चूँकि इसमें हम y 1 कर सकते हैं, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करके इसके साथ, और इसको -1 से, तो -6। इसको मैंने इक्वेशन 1 मान लिया है। अब यहाँ जो सेकेंड पार्ट है इसका, ये भी फ्रैक्शन में है, तो यहाँ पर मैंने y 1 किया है, 1 3 का एलसीएम 3 हो गया। तो यहाँ पर जब हम 1 से 3 को डिवाइड करो 3 आएगा, 3 में x को मल्टीप्लाई करो 3x आएगा, फिर 3 से 3 में डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 में y को मल्टीप्लाई करें तो y आएगा। इस तरह हमारा बन गया 3x माइनस y इक्वल टू 9, 3 3 9। तो इस तरह से इक्वेशन 2। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 3x है और यहाँ पर भी 3x है, दोनों कोफिशियंट इक्वल है, लेकिन दोनों का साइन क्या है, प्लस है। यहाँ प्लस है और यहाँ भी जब प्लस है, जब दोनों प्लस होगा तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो ये हो गया हमारा 3x प्लस 4 इक्वल टू -6, और ये पहले से हमारा दिया हुआ है 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। अब देखो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसका साइन प्लस था तो नीचे चेंज होकर क्या हो जाएगा, माइनस। ये माइनस था तो क्या हो जाएगा, प्लस। और ये क्या है, आप यहाँ पर देखो प्लस 9 दिया है, तो ये यहाँ पर चेंज करके मैंने -9 लिखा है, तो ये 3 में से 3 सब्ट्रैक्ट हो तो 0 आएगा, तो ये हम काट देंगे इसको, 4y और y को ऐड करेंगे तो 5y हो जाएगा। इस तरह से -15, -9 और -6 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, -15 आएगा। y का वैल्यू निकालेंगे तो -15/5, ये -3 हो जाएगा। बच्चों मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगला यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब y का वैल्यू हमें मालूम हो गया तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वेशन 1 में इसको पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 में हमारा क्या है, 3x प्लस 4y इक्वल टू -6। तो यहाँ पर y का जो वैल्यू है -3 है, मैंने यहाँ पर रख दिया है 4y 3x। अब देखो ये जो है
माइनस 12 आएगा मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैं इसको राइट साइड लेके आ गया हूँ, तो इसका साइन प्लस हो गया। इस तरह से 3x इक्वल टू माइनस 6 प्लस 12 हो गया, इस तरह से 3x इक्वल टू 6 हो गया। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 6/3। तो x का वैल्यू कट करके 2। बच्चों ये जो लीनियर इक्वेशन था इसको हम लोगों ने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया है, और इसका जो दूसरा पार्ट कर रहा है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करिए। सब्स्टिट्यूशन मेथड आप लोग खुद से करोगे, क्योंकि पिछली वीडियो में जो मैं एक्सरसाइज 3.3 का बताया हूँ वह सारे क्वेश्चंस सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व हुए थे, तो मुझे उम्मीद है कि आप उस मेथड को यूज़ करके इसे सॉल्व कर लेंगे। जैसे ही आपका ये रिविज़न हो जाए तो इसको फेयर पे भी कंप्लीट करते जाना है। धन्यवाद।